चुनाव 2024 में भाजपा को हराने के लिए विपक्षी दलों ने कमर कसनी शुरू कर दिया, लेकिन कुछ दल कांग्रेस से दूरी बनाना चाहते हैं तो वहीं कुछ दल कांग्रेस को जरूरी बता रहे हैं। उन्हीं में से एक है सपा की सहयोगी आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी, जिन्होंने 2024 में राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा को हराने के लिए विपक्ष की एकजुटता की वकालत की है। नेशनल लेवल पे जब बात होगी, कई राज्यों में और भी पार्टियां हैं जो लाइक माइंडेड पार्टीज हैं, कुछ ना कुछ स्थिति बनाएंगे, प्री पोल हो या पोस्ट पोल हो। प्री पोल हो तो बेहतर होता है, क्योंकि फिर मुद्दों पे आप एक मत बनाकर जनता के सामने जाते हैं। भाजपा के खिलाफ विपक्षी दलों की एकता पर आए जयंत चौधरी के इस बयान का कांग्रेस ने भी समर्थन कर दिया है। देखिए, सही समय पर सब एक हो। हालांकि जयंत की सहयोगी सपा ने भी कहा है कि 2024 के लिए सभी दल एक साथ हैं, लेकिन यूपी में कौन किसके साथ होगा ये सभी दलों के शीर्ष नेता तय करेंगे। देखिए, विपक्ष एक साथ है, एकजुट है, और कौन साथ में रहेगा, चुनाव में क्या होगा, ये हमारे बड़े नेताओं के फैसले हैं। जो हमारे बड़े नेता फैसला लेंगे उसी के अकॉर्डिंग सब काम करेंगे। चौधरी, विपक्षी एकता को किस तरीके से देखते हैं? जो उन्होंने बयान, विपक्षी एकता थी, सारा विपक्ष यहाँ मौजूद था, लेकिन विपक्षी एकजुटता की कवायद पर भाजपा ने फिर से चुटकी लेते हुए कहा है कि विपक्ष के सभी दलों में एक राय होना असंभव है। दरअसल कांग्रेस, वाम दल, सपा, बसपा समेत तमाम विपक्षी दल 2024 में भाजपा के खिलाफ लामबंद होने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन पूरा विपक्ष किसकी अगुवाई में लड़ेगा इसका जवाब कोई नहीं दे रहा। इसलिए भाजपा एकजुटता के मुद्दे पर लगातार विपक्ष पर हमलावर रहती है। भ्रष्टाचार से बचने के लिए, घोटालों से बचने के लिए, देश की जनता का ध्यान बटाने के लिए ये इस प्रकार के गठबंधन की बात कर रहे हैं। गठबंधन का कोई भविष्य न था और न है। यूपी में अखिलेश यादव, कांग्रेस और बसपा हुए नाकाम गठबंधन के बाद किसी भी राजनीतिक प्रयोग से इनकार कर चुके हैं, लेकिन भाजपा के खिलाफ लामबंदी के लिए देश भर में अभियान छेड़े हुए हैं। कोशिश होगी, समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि जो गठबंधन में रहे हैं साथी, उन साथियों को लेके चले साथ। और हालांकि जो अखिलेश यादव 2024 में विपक्ष के तमाम दलों को साथ जोड़ने की बात कर रहे हैं, उन्हें 2022 विधानसभा चुनाव के सुभाषपा और महान दल जैसे क्षेत्रीय दल सपा से छिटक कर विपक्षी एकता की हवा पहले ही निकाल चुके हैं। 2024 में भाजपा के खिलाफ अखिलेश यादव ने तो एकजुटता अभियान चला रखा है, उसकी हवा आज अखिलेश के ही पुराने साथी ओपी राजभर ने निकाल। ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा है कि 2022 में सुभाषपा की बदौलत ही अखिलेश यादव को पूर्वांचल में सफलता हासिल हुई थी, लेकिन 2024 में अब सुभाषपा ही पूर्वांचल में सपा को तीसरे नंबर की पार्टी बनाएगी। आजमगढ़ में शायद बाई इलेक्शन में मैं नहीं रहा होता तो कहाँ होते, तीसरे नंबर पर होते ना, वही हाल होगा। आजमगढ़ में दोनों सीट पर देख लीजिएगा, पूरी ताकत लगा लें लोग। ओम प्रकाश राजभर ने मायावती और अखिलेश यादव पर स्वार्थ की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि सपा और बसपा पिछड़ों और दलितों की असल विरोधी पार्टियां हैं। आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी ने जितना देश में फैक्ट्री लगाई, जितना नौकरियां दी कांग्रेस पार्टी ने, उतना कोई पार्टी आज तक काम न की है न कर पाएगी। गोरखपुर लिंक मार्ग एक्सप्रेस वे योगी जी, अब इसको कहिए तो लोग कहते हैं कि तो सबकी तारीफें करते हैं। हालांकि ओम प्रकाश राजभर 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर अब तक अपने पत्ते खोलने को राजी नहीं है, लेकिन एक तरफ कांग्रेस को लेकर बदले बदले सुर और दूसरी तरफ यूपी सरकार की तारीफ करके राजभर ने इशारा कर दिया है कि उन्होंने हर राजनीतिक विकल्प खुला रखा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।